हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएससी डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस पर। 2021 में जो न्यू सिलेबस लागू हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं सुनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएससी डिपार्टमेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टॉपिक्स पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक्स जो है वो क्या है, आपका सिलेबस। आपके सिलेबस से हमें डिस्कस करना है कि क्या बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, यही बात करना है हमें आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बदलाव हुआ है और जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस था वो क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। तो उसके माध्यम से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में चेंज क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता देंगे, आपका जो पहले पेपर होता था, तीन पेपर हुआ करता था। आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होता था, आज की क्लास में केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनमें हम थोड़ा सा कुछ जानने का प्रयास करेंगे कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि पेपर पैटर्न क्या है। तो आपके पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, आपका पेपर पैटर्न जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, जिनमें आपको क्या पढ़ना है, आपको दो सेमेस्टर पढ़ने हैं, दो सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकंड। ये क्या है, ये सेमेस्टर है, फर्स्ट और दो सेमेस्टर आपको पढ़ना है। अब केवल बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको दो सेमेस्टर पढ़ना है। पहले आपका एक एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब आपका एग्जाम जो आपका पेपर था वो दो पैटर्न में बांट दिया गया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, ये तो रही आपकी सेमेस्टर से रिलेटेड बातें कि आपका पेपर जो है सेमेस्टर वाइज हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना रहें, आपका सिलेबस क्या हुआ, चेंज हो गया और उसमें क्या हुआ, सेमेस्टर वाइज चैप्टर अप्लाई हो गए। और अब बात करते हैं बुक्स की, तो सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं, बुक्स की। ठीक है, तो बुक्स की बात हम करेंगे। बुक्स में होता क्या था कि पहले आपका आपका सिलेबस आया है ये तो वही है, लेकिन जो इसके पहले आपका पेपर होता था, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें क्या होता था, तीन पेपर हुआ करते थे। पहले कितने पेपर हुआ करते थे, तीन पेपर हुआ करते थे। पहला था इनऑर्गेनिक, दूसरा था ऑर्गेनिक और तीसरा था फिजिकल। ये तीन पेपर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे, लेकिन अब क्या किया गया है, इनको अब हटा दिया गया है और इनकी जगह पर क्या बना दिया गया है, केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर बना दिया गया है। ठीक है, इनमें केवल और केवल दो सेमेस्टर बना दिया गया, यानी कि अब आपका जो एग्जाम होगा केमिस्ट्री का वो दो सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें थोड़ा सा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक है वो क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर की बुकें क्या है। ठीक है, यानी आपकी केमिस्ट्री का जो बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका क्या नाम है और किस प्रकार से ये अप्लाई की गई है आपके फर्स्ट ईयर में, क्या सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, क्या ये लागू हो पाएगा, ये सिलेबस जो आपका है 2021 के अनुसार, जिसमें आपको बताया गया है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो केमिस्ट्री या आप जियोग्राफी या जियोलॉजी ले सकते हैं, उसके साथ ही साथ आपको एक व्यवसायिक सब्जेक्ट लेना है, तो ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सिलेबस को समझना है। आप सिलेबस को समझ जाएंगे, बिल्कुल आप ये समझेंगे कि आपका सिलेबस वही है, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको जानने का प्रयास करना है और जैसे ही आपके सिलेबस समझ में आ गया, तुरंत आप अवगत हो जाएंगे कि क्या सिलेबस में बदलाव हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, बस यही जानना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया पेपर के बारे में कि पेपर पैटर्न जो था वो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो एक पेपर होता था आपका दो पेपर होगा, यानी सेमेस्टर वाइज होगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है आपकी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स है आपकी, उसका नाम क्या है। देखिए, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका क्या नाम है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है और इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं आज की इस क्लास में और आज के सिलेबस में, यानी आपका जो सिलेबस 2021 का जो नई शिक्षा नीति द्वारा लागू किया गया है। देखिए, अधिकांश, अब बात करते हैं, देखिए ये बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर ये बताइए कि ये किस यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए
अधिकांश यूनिवर्सिटी में यानी 70% यूनिवर्सिटी में ये लागू हो चुका है। अब ये मानकर चलिए कि 30% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना पेपर क्या कराएंगी, जैसे ही उनका पेपर था उसी पैटर्न पे कराएंगी, यानी उसी सिलेबस पे कराएंगी। लेकिन आप 70% ये मानकर चलिए कि सिलेबस चेंज हो चुका है, और सिलेबस को जानना कैसे है, आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संपर्क कर लीजिए और उसके बाद में आप पता कर लीजिए क्या नई शिक्षा नीति लागू हो गई है आपके यूनिवर्सिटी में। अगर लागू हो गई है तो आप आके ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ से आप सिलेबस समझ जाएंगे। चलिए सिलेबस पर बात करते हैं कि सिलेबस में बदलाव क्या क्या हुआ है। चलिए आपका जो पहला चैप्टर है जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये किसका, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या चीजें है। तो पढ़ना है पहला मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, ये आपका पहला चैप्टर है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स आपका पहला चैप्टर है और इसी के बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर में। और तीसरा चैप्टर जो आपका है, तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस एस एंड टी ब्लॉक, एस और टी ब्लॉक के बारे में, पीरियोडिक पेपर के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। चलिए चौथा जो आपका चैप्टर है, चौथा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर है रेसिपिटेशन ऑफ बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप पांचवे चैप्टर की बात करते हैं। पांचवे चैप्टर में देखिए आप ऑर्गेनिक भी पढ़ते थे ना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक, देख सर आपका जो पांचवा चैप्टर है क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब जो छठवा चैप्टर है, छठवा चैप्टर में आपको पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक। ये देखिए जहां भी ऑर्गेनिक शब्द जुड़ गया है वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित, यानी आपके सेकंड पेपर जो आपका पुराना पेपर था सेकंड पेपर हुआ करता था। अब ये जो है सात नंबर, ये क्या है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको नया मिल जाएगा, ये आपको न्यू मिल जाएगा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित रखते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं खासकर बता रहा हूँ कि ये नया है, ये नया आपका सातवां टॉपिक रहा है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर का नॉलेज लेना भी चाहिए और इसमें डाल दिया गया तो काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर, किसमें क्या, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लें आठवें चैप्टर के बारे में। आठवां चैप्टर क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है कुछ हम ध्यान देंगे। आपका पहला चैप्टर था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी में हमको पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो रेजोनेंस पढ़ना है, अनुनाद क्या है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एनर्जी आपको निकालना है, और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, संकरण पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी पढ़ना है आपके पहले चैप्टर में। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, और इन सबके बारे में हम विस्तार से जिस दिन टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अब थोड़ा सा समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, तो आपको पढ़ना क्या, इसी से आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं। जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है रिजोनेंस, दूसरा यानी अनुनाद, दूसरा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन बंध, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक है वेलोसिटी यानी वंडर वाल फोर्स, क्या है, वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स। तो इन इतनी ही सारी चीजों से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या किया गया है, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री का एक बनाकर की एक ही सिलेबस डाल के इसमें कर दिया गया है और यही आपको पढ़ना है। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर रहे जिसके बारे में हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिलेबस, आप मुझे आशा है कि आप लोग सिलेबस से अवगत हो गए होंगे और सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है, किस प्रकार से सिलेबस जो है वो लागू हो चुका है, देखिए आपकी यूनिवर्सिटी में ये लागू हो चुका है। ठीक है, और ये सिलेबस किसके अकॉर्डिंग है, ये सिलेबस जो आपका है ये 2021 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग था, जिसमें आपकी पहली बुक जो थी
वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के सिलेबस पर बात कर रहे थे, बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री पर सिलेबस पर बात कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि सर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है और किस प्रकार के जो है इसका इंडेक्स, हमने पढ़ा कि इनमें चैप्टर्स क्या रखे गए हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 चैप्टर रखे गए हैं, टोटल 8 चैप्टर आपके रखे गए हैं। 8 चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। थोड़ा सा हमने पहले चैप्टर के बारे में जानना चाहा, पहले चैप्टर में आपको पढ़ना था रिजोनेंस, अनुनाद, थर्मल चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी एस एंड पी ब्लॉक पढ़ना है, और मैग्नीशियम पढ़ना है आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ना है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ना है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, पढ़ना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सब के बारे में आपको किसमें पढ़ना है, कंप्यूटर सिस्टम में, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में। सातवां जो चैप्टर है आपका, आठवें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आठवें चैप्टर में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें देखिए इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मैक्सिमा मिनिमा क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, किसमें, आपके आठवें चैप्टर में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। तो ये रही आपके फर्स्ट सेमेस्टर का इंडेक्स, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 8 चैप्टर पढ़ने हैं, टॉपिक बाय टॉपिक इनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सिलेबस से अवगत हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, और जल्द ही जल्द हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, और जल्द ही जल्द आपके टॉपिक्स को आपके पेपर से पहले खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप जो इसका सिलेबस है, सिलेबस का पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च करते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल 1, आप सर्च करेंगे और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पुराने और नए टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों।